फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शारदा। तो आज मैंने ये वीडियो बनाया स्पेशली उन लड़कियों के लिए, या उन आप बोल सकते हो फीमेल्स के लिए, कि क्या होता है जल्दी जल्दी में हम जब मेकअप करते हैं तभी हमको ध्यान में आता है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गए हैं या कुछ अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे वक्त हमको क्या करना चाहिए, उसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मेकअप करते वक्त ऐसे आप कुछ हैक्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो आपके ज़रूर काम आएंगे, और इसे आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। और आपको कुछ भी लेना नहीं है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसी से ये आप जो ब्यूटी हैक्स है वो कर सकते हैं। ये जो मैंने मेकअप अभी किया है वो पूरे मैंने वो हैक्स ट्राई करके ही किया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, और अगर आपको मेरे ये हैक्स मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो, ऐसे ब्यूटी हैक्स जो हर एक लड़की को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब भी हम तैयार होते हैं, हेयर स्टाइल करते हैं, तो बहुत सारे बेबी हेयर जो है वो आगे आते हैं और हमारे हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये हैक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मस्कारा लेना है और मस्कारे की ब्रश की मदद से आपको जो बेबी हेयर है वो अच्छे से पीछे की तरफ सेट करने हैं। सेट होने के बाद ये बिल्कुल भी आगे नहीं आएंगे और आपका हेयर स्टाइल भी अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो सारे बेबी हेयर जो है मैंने अच्छे से अभी सेट कर लिए हैं। उसके बाद बारी आती है मेकअप की। तो मेकअप करने से पहले हमको प्राइमर लगाना ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर है या फिर आपके पास प्राइमर नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको थोड़ा सा वैसलिन लेना है और उसमें मैं 2 ड्रॉप जो है रोज़ वाटर डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करना है। वैसलिन और रोज़ वाटर मिक्स करने के बाद ये हमारा प्राइमर तैयार हो जाएगा और मैं इसे अभी अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लूँगी। तो प्राइमर से हमारा मेकअप जो है अच्छे से सेट हो जाता है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ये मेरा प्राइमर अभी लगा के हो गया है। अब मैं लगाऊँगी फाउंडेशन। तो मेरे पास है फाउंडेशन ट्यूब। उफ़, लेकिन ये क्या हुआ, मेरा फाउंडेशन तो ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँ। हाँ, मेरे पास एक ट्रिक है। मैं लूँगी यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हो, और फिर मैं उसे अपने ट्यूब में भरूँगी और उसके बाद मैं डालूँगी उसमें 4 to 5 ड्रॉप्स रोज़ वाटर। तो इसमें मैंने डाला है मॉइस्चराइज़र और रोज़ वाटर। अब इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। मिक्स होने के बाद जो बचा फाउंडेशन बचा है उसमें मॉइस्चराइज़र और रोज़ वाटर अच्छे से मिक्स हो जाता है और हमको हमारा फाउंडेशन मिल जाता है। मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो मेरा फाउंडेशन तैयार हो गया है। तो अभी मैं इसे अपने पूरे चेहरे पर और नेक पर लगा लूँगी, फिर आप इसे अपने हाथों से ब्लेंड कर सकते हो या फिर आपके पास अगर ब्लेंडर है तो उससे भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हो। ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही इवन लुक देता है हमारे चेहरे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मेरा फाउंडेशन जो है ब्लेंड हो गया है। उसके बाद हमारे आँखों पर डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर चेहरे पर अगर कई डार्क स्पॉट्स हो तो उसे छुपाने के लिए हमको कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास कंसीलर नहीं है या ख़त्म हो गया तो ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको लेनी है थोड़ी सी बीबी क्रीम, किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हो, और उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है लूज़ पाउडर। तो बीबी क्रीम और लूज़ पाउडर मिक्स करने के बाद ये हो गया हमारा कंसीलर तैयार। तो यहाँ पे मैं अभी डार्क सर्कल्स और अपने डार्क स्पॉट्स पे लगा के लूँगी और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करके लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कंसीलर जो है अच्छे से ब्लेंड करके लिया है
और आपको डिफरेंस खुद ही दिख रहा होगा, मेरे डार्क सर्कल्स जो है अभी पूरी तरह से छिप गए हैं, गायब हो चुके हैं। तो हो गया ना ये बढ़िया कंसीलर। उसके बाद अब मैं आईब्रो सेट करना है मुझे, लेकिन अगर आपको अच्छे से आईब्रो सेट करना नहीं आता या फिर आप डार्क जो है आईब्रो नहीं चाहते हो, तो आपको जस्ट थोड़ा सा मस्कारा लेना है और उसमें थोड़ी सी लूज पाउडर जो है मिक्स करनी है, तो ये जो अच्छा सा शेड तैयार हो जाएगा ग्रे कलर का शेड। और फिर ब्रश की मदद से आपको जो है अपने आईब्रोज फिल करने हैं, सेट करने हैं, तो बहुत ही इजीली बहुत ही जल्दी हो जाता है और आपको आईब्रोज को बहुत अच्छी शेप मिलती है और बहुत अच्छा कलर भी मिलता है। देखिए बहुत जल्दी मेरे आईब्रो जो है अच्छे से सेट हो गए हैं। तो उसके बाद हमको लगानी है आई शेडो। अगर आप कलर आई शेडो लगाना चाहते हो लेकिन आप डायरेक्टली लगाते हो तो वो अच्छे से पिगमेंट नहीं दिखती है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको वाइट आई शेडो लगानी है अपने आई लिड्स पे। तो मैं आपको एक साइड पे वाइट आई शेडो लगा के दिखाती हूँ और एक साइड पे कुछ भी नहीं। तो जहाँ पे मैंने वाइट आई शेडो नहीं लगाई वहाँ पे मैं अभी पिंक कलर की आई शेडो लगाऊंगी, फिर मैं अभी आपको इसका पिगमेंटेड इफेक्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पिंक आई शेडो लगा के ली है और जहाँ पे अभी मैंने वाइट आई शेडो लगाई थी वहाँ पे भी मैं अभी पिंक आई शेडो लगाऊंगी और अच्छे से ब्लेंड करके दिखाऊंगी आपको कि इसका जो कलर इफेक्ट है या फिर पिगमेंटेशन है वो किस तरह से दिखता है, तो डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हो। उसके बाद अगर आप आईलाइनर जो है ब्लैक की जगह कलरफुल आईलाइनर चाहते हो या फिर कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो, तो आपको जस्ट कंसीलर लेना है ब्रश पे और उसे आईलाइनर की तरह ड्रॉ करना है। और अभी मैं उस पर लगाऊंगी कलर आई शेडो। तो यहाँ पे मैंने चूज़ किया है ब्लू कलर, तो आपको जो पसंद है वो आप कलर लगा सकते हो। तो उसी कंसीलर पर मैं ब्रश की मदद से ब्लू कलर की आई शेडो जो है अच्छे से सेट करके लूँगी। तो ये हो गया हमारा कलर आईलाइनर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। उसके बाद आपको सिर्फ नीचे की तरफ से एक ब्लैक आईलाइनर से आउटलाइन निकालनी है ताकि जो हमने कलर आईलाइनर लगाई है उसका इफेक्ट और अच्छा दिखेगा। फिर मैं अभी अपने आंखों में काजल लगाऊंगी। तो काजल जो है हम नॉर्मली लगाते हैं वैसे लगाना है। उसके बाद आप रिवर्स काजल कैसे कर सकते हो वो मैं आपको दिखाऊंगी। आपको जस्ट ईयरबड लेना है और उसकी टिप्स जो है टिप्स से आपका जो काजल है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ फैलाना है और आप थोड़ा सा कॉर्नर पे विंग भी तैयार कर सकते हो इसी टिप की मदद से। तो धीरे धीरे नीचे फैलाएंगे तो रिवर्स काजल हमारा तैयार हो गया। और अगर आपको एक्स्ट्रा काजल निकालना है तो उसकी दूसरी टिप से आप धीरे से नीचे से उसे साफ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप दूसरे आंख पे भी रिवर्स काजल और विंग बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी टिप है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। फिर मेरे पास है ये फॉल्स आईलैशेस जो मुझे लगाने हैं, लेकिन वो इतने कर्ली नहीं दिख रहे हैं। तो हमको क्या करना है, अगर आपके पास आईलैशेस कलर है तो उसमें आपको वो फॉल्स लैशेस लगाइए और उसको मस्कारा लगाइए तो वो थिक और कर्ली हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों आईलैशेस में फ़र्क। तो अब अभी जो आईलैशेस लगाने हैं, आपके पास अगर आईलैशेस ग्लू नहीं है तो आपको जस्ट लेना है थोड़ा सा मस्कारा
और उसमें जो कोई भी ग्लू है, फेविकॉल है, आप जो है उसे मिक्स कर सकते हो। तो ये आपका आईलैशेस ग्लू जो है तैयार हो जाएगा। फिर बॉबी पिन की मदद से आप ये ग्लू जो है आपके आईलैशेस को लगाइए और फिर अपने आंखों पर ये आईलैशेस आप सेट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका होममेड ग्लू तैयार और आपके आईलैशेस भी अच्छे से सेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों आईलैशेस लगा के लिए है। अभी लिपस्टिक लगाने के बिल्कुल इजी हैक ये है, आप पहले नीचे की तरफ लिपस्टिक लगाइए फिर ऊपर की तरफ लगाइए तो आपकी लिपस्टिक जो है बहुत जल्दी और बहुत ईजिली लग जाएगी। उसके बाद आपके पास अगर लिप लाइनर है तो उससे आप आउटलाइन बनाइए, लेकिन लिपस्टिक लगाने के बाद उससे जो है लिपस्टिक बिल्कुल बाहर नहीं आएगी और आपके होंठ जो है बहुत अच्छे और बड़े दिखेंगे और इसे थोड़ा सा और फिलर या फुलर लुक देने के लिए हमको आईशैडो लगानी है अपने लिप्स पर। तो यहाँ पे मैंने पर्पल कलर की आईशैडो लगाई है जो पिंक कलर के साथ मैच करे। तो मेरी लिपस्टिक बहुत अच्छे से अभी दिख रही है। तो ये हो गया मेरा पूरा लुक तैयार। तो यहाँ पे मैंने हेयर स्टाइल की है तो मैंने पीछे जो है जूड़ा किया है तैयार। तो यहाँ पे आप थोड़े से बाल स्ट्रैंड्स भी छोड़ सकते हैं, तो आप बहुत अलग अलग लुक ट्राई कर सकते हो या फिर पीछे से बाल छोड़ सकते हो, एक साइड से ले लो, दो साइड से आगे ले लो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप पूरे बाल छोड़कर भी हेयर स्टाइल या फिर अपना लुक चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको ये मेरा ये लुक, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे हैक्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।